फरीदाबाद के विधायक एवं उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने अपनी मां के नाम स्थापित किए गए मां किरण देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत अब उन गरीब लोगों को तीर्थयात्रा करवाने का बीड़ा उठाया है जो आर्थिक तंगी के चलते तीर्थयात्रा नहीं कर पा रहे हैं। इसी मुहिम के तहत उद्योग मंत्री ने बीती रात 3 बजे यानी 125 यात्रियों के साथ हरिद्वार के लिए रवाना की। इन तीर्थयात्रियों की बसों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक देव प्रसाद भराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तीर्थ यात्रा बिल्कुल निशुल्क होगी और यात्रा का रजिस्ट्रेशन के अलावा तीर्थ यात्री का मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा। मंत्री जी, आइडिया कहां से आया, क्यों निकाल रहे हैं उसको, दूसरा गंगा स्नान से ही शुरुआत क्यों इसकी? आईडी की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। एक तो सर्वविदित हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि आदमी सभी की इच्छा होती है कि एक बार हम जरूर कोई तीर्थ यात्रा करें, और जो भी हमने जिंदगी में जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं भगवान से क्षमा मांगे और तीर्थ यात्रा हम लोग जरूर करके आए। तो वैसे भी हमारे देश की और प्रदेश की सरकार दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है, तो उस जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा अंत्योदय, कि समाज के आखिरी छोर तक हर जरूरत संभव चीज़ों का उन तक पहुंचनी चाहिए, उनकी जो जरूरी जरूरतें उन तक लोगों तक, समाज के आखिरी छोर तक जो लोग किसी अभाव के कारण तीर्थ यात्राएं नहीं कर सकते लेकिन उनके दिल में तो हमेशा हर किसी के दिल में रहती है कि मैं तीर्थ यात्रा अपने जीवन में जरूर करूं। अगर ये ना संभव ना होने से एक कुंठा और एक दिल के अंदर जो दर्द रहता है अगर हम उसको कम कर पाए और उसमें सहायक बन सके तो हमारे लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात। प्लान नहीं, जैसे मुझे इस सारे कार्यक्रम की जानकारी मिली है कि भाई इस तरह से यहाँ कार्तिक मास के निमित्त तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ से प्रति सप्ताह इस तरह की बसों का आयोजन तीर्थयात्रियों के लिए किया जाता है और इसे उन जरूरतमंद लोगों को एक तरह से तीर्थस्थल तक पहुंचाने का जो पुण्य कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है और अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाएं इस तरह के कार्यक्रम करें ऐसी मेरी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भी और बाकी लोगों को इससे प्रेरणा मिले, समाज में इससे जागृति आए और ये पूरा महीना जो एक पुण्य का महीना माना जाता है अपने यहाँ, वैसे तो सभी मास अपने यहाँ बहुत पवित्र और पुण्य माने जाते हैं लेकिन कार्तिक स्नान का एक विशेष महत्व होता है। ऐसे लोग जो किसी वजह से नहीं जा सकते हैं उनके लिए इस तरह की सुविधा देना ये वास्तव में सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही